सेशन शुरू कर रहे हैं सॉलिड स्टेट का लेक्चर नंबर 3। बच्चों इस चैप्टर के लेक्चर नंबर 2 में हम लोग बात कर चुके थे क्रिस्टलाइन सॉलिड्स और एमोर्फस सॉलिड्स के डिफरेंशिएशन के बारे में, उनकी प्रॉपर्टीज को हमने कंपेयर किया था। इसके अलावा हमने क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के आपको कुछ टाइप्स भी बताए थे विद एग्जांपल्स। आज हम स्टार्ट करेंगे क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के आगे की चीज। बेसिकली इस पूरे चैप्टर में हमें क्रिस्टलाइन सॉलिड्स ही पढ़ने हैं, ये मैंने आपको पहले भी बताया था। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की स्ट्रक्चर ही हम इस पूरे चैप्टर में डिस्कस करेंगे। इसमें हम लोग अभी आगे पढ़ने वाले हैं लैटिस पॉइंट्स, है ना, और यूनिट सेल, इस टाइप की कुछ चीजें हम लोग आगे पढ़ेंगे जो कि बहुत बेसिक सी चीजें हैं और आपको इनको समझते हुए आगे चलना है, तभी ये चैप्टर आपको पूरा एकदम क्लियर हो पाएगा। आगे चलने से पहले दो छोटी छोटी डेफिनेशंस आप जरा देख लीजिए, ये कभी कभी एग्जाम में आती हैं। एक है आइसोमॉर्फिज्म एंड द सेकेंड वन इज पॉलीमॉर्फिज्म। अब ये आइसोमॉर्फिज्म और पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है इसके बारे में आप जरा दो मिनट में समझ लीजिए। देखिए आइसो का मतलब क्या होता है, सेम, और पॉली का क्या मतलब होता है, मैनी, और जो मॉर्फिज्म वर्ड है ये एक तरीके से स्ट्रक्चर से बनता है। स्ट्रक्चर मॉर्फिज्म का मतलब एक तरीके से हम स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं। तो आइसोमॉर्फिज्म का क्या मतलब हुआ है, अगर दो या दो से ज्यादा अलग अलग टाइप के क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, दो या दो से ज्यादा अलग अलग क्रिस्टलाइन सॉलिड्स अगर एक ही जैसी क्रिस्टल स्ट्रक्चर के रूप में पाए जाते हैं तब हम इस फिनोमेना को क्या बोलते हैं, आइसोमॉर्फिज्म। और अगर एक ही सब्सटेंस, एक ही सॉलिड एक से ज्यादा टाइप की क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स में पाया जाता है तो हम उसको क्या बोल देते हैं, तब हम उसको बोल देते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है, तो बहुत छोटी छोटी डेफिनेशन है, आप इसको नोट कर सकते हैं, मैं यहां पर लिख दे रहा हूं। सबसे पहले आइसोमॉर्फिज्म, द एग्जिस्टेंस ऑफ टू और मोर क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैविंग सेम केमिकल कॉम्पोजिशन, केमिकल कॉम्पोजिशन का सेम होना चाहिए, एंड इन द सेम क्रिस्टलाइन फॉर्म और स्ट्रक्चर is called isomorphism. ठीक है, the existence of two or more crystalline solids having same chemical composition in the same crystalline form or structure is called isomorphism. ठीक है कि नहीं, दो या दो से ज्यादा अलग अलग क्रिस्टलाइन सॉलिड्स जिनका केमिकल कंपोजिशन सेम हो वो अगर एक ही जैसी क्रिस्टल स्ट्रक्चर या एक ही जैसी क्रिस्टल फॉर्म में पाए जाए तब हम इस फिनोमेना को क्या बोलेंगे, आइसोमॉर्फिज्म बोलेंगे। फटाफट इसको नोट कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एलिया चलिए इसके बाद बात करते हैं पॉलीमॉर्फिज्म की। The existence of one particular crystalline solid in more than one crystal structures or crystal forms
इज कॉल्ड पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है, एक ही पर्टिकुलर क्रिस्टलाइन सॉलिड का एक से ज्यादा टाइप के क्रिस्टल फॉर्म्स, एक से ज्यादा टाइप के क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स के रूप में मिलना ही क्या कहलाता है, पॉलीमॉर्फिज्म कहलाता है। आप एग्जांपल के तौर पर यहां पर देख सकते हैं कि जो आपका इससे पहले जो मैंने पढ़ाया था आपको, कौन सा, आइसोमॉर्फिज्म। आइसोमॉर्फिज्म में मैं जो एग्जांपल आप लिख सकते हैं, मैं दे रहा हूं Na3AsO4, इसका नाम क्या हो जाएगा, सोडियम आर्सेनेट, और एक और लिख रहा हूं Na3PO4 सोडियम फॉस्फेट। अलग अलग टाइप के क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं, अलग अलग टाइप के सब्सटेंस है, ये आर्सेनेट है, ये फॉस्फेट है, केमिकल कंपोजिशन सेम है, वो आपको इसके फॉर्मूला देख के पता चल रहा होगा, लेकिन ये दोनों जो है ना वो सेम टाइप की क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स में पाए जाते हैं। जिस जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर सोडियम आर्सेनेट की होती है, वही क्रिस्टल स्ट्रक्चर सोडियम फॉस्फेट की भी होती है। तो ये एग्जाम्पल्स किसके हो गए आपके, आइसोमॉर्फिज्म के। पॉलीमॉर्फिज्म के एग्जाम्पल में आप ले सकते हैं एग्जाम्पल किसका, कैल्शियम कार्बोनेट का। कैल्शियम कार्बोनेट दो फॉर्म में पाया जाता है, एक तो कैल्साइट के फॉर्म में मिलता है और एक मिलता है एलेमोनाइट के फॉर्म में। ये दोनों अलग अलग क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स हैं, लेकिन सब्सटेंस एक ही है, कौन सा, CaCO4। तो ये एग्जाम्पल आपका किसमें चला जाएगा, पॉलीमॉर्फिज्म। ये पॉलीमॉर्फिज्म को शो कर रहे हैं और ये किसको शो कर रहे हैं, आइसोमॉर्फिज्म। ठीक है, आप फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे की बातें करते हैं। ले लिया, चलिए बस अब वो चीज स्टार्ट होने वाली है जिसका हम लोग वेट कर रहे थे, क्रिस्टलाइन सॉलिड की स्ट्रक्चर। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट इस चैप्टर का यही है और इस चैप्टर का ये लेक्चर सबसे इंपॉर्टेंट लेक्चर है, क्योंकि इसमें जो बेसिक चीजें सिखाई जाएंगी अगर वो आपके माइंड में नहीं टच हुई, आपको वो नहीं क्लियर हो पाई, तो फिर ये पूरा चैप्टर आपको बहुत डिफिकल्ट लगेगा और यकीन मानिए ये बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। लेकिन चैप्टर डिफिकल्ट बिल्कुल नहीं है, बहुत आसान चैप्टर है, और जैसा इसका नाम है सॉलिड स्टेट, क्वेश्चन भी एकदम सॉलिड आते हैं, कोई ट्रिकी और कह सकते हैं कॉन्सेप्चुअल बहुत ज्यादा क्वेश्चन इसके अंदर से नहीं पूछे जाते, ट्रेंडी क्वेश्चन आते हैं। बस एक चीज आपको करना है, क्या, जस्ट इमेजिन। जी हाँ, इमेजिनेशन का थोड़ा सा इसमें यूज करना है, कि मैंने पहले भी बताया था इसमें कुछ ऐसे डायग्राम्स, कुछ ऐसी चीजें यहाँ पर हमें बनानी पड़ेगी जो कि एक्चुअल में 3D होती है, 3D होती है, और आप जानते हैं कि बोर्ड पर कोई भी डायग्राम बनेगा वो सिर्फ 2 dimensions में ही बन सकता है, 2 dimensions। तो हम लोग कोशिश करेंगे बोर्ड पर डायग्राम्स बनाने की, हो सकता है कि वो आपको अच्छे समझ में आ भी जाए, और ये भी हो सकता है कि उस डायग्राम से आपको बहुत ज्यादा क्लियर ना हो। तो यहाँ पर इस साइड में आपको एक डिजिटल फोटो भी दिखाई पड़ेगी मेरे लेक्चर में, जो भी डिफिकल्ट डायग्राम्स होंगे इधर राइट हैंड साइड में आपकी उसको एक प्रिंटेड एक डिजिटल फोटो दिखाई पड़ेगी, आप वहां पर देखकर इसको समझ सकते हैं। लेकिन फिर भी आपको अपना थोड़ा सा इमेजिनेशन पावर तो यूज करना ही पड़ेगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला जो इसमें पॉइंट आता है जो हमको पढ़ना है, वो पढ़ना है क्रिस्टल लैटिस। क्रिस्टल लैटिस, ठीक है कि नहीं, लैटिस पॉइंट्स, ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो पूरे चैप्टर में रिपीटेडली यूज होती रहेंगी। लैटिस पॉइंट, यूनिट सेल, इन तीन चीजों को सबसे पहले हम देखते हैं कि आखिरकार ये है क्या, क्रिस्टल लैटिस, लैटिस पॉइंट्स और यूनिट सेल। बहुत ध्यान से देखिएगा, देखिए आपने जब एमॉर्फस और क्रिस्टलाइन को कंपेयर किया था तो आपने क्रिस्टलाइन सॉलिड की एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये पढ़ी थी, इंपॉर्टेंट जब जो डेफिनेशन ही थी क्रिस्टलाइन सॉलिड की, कि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स जिन कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल से बने होते हैं उन कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का इस पूरे 3D स्पेस में क्या होता है, एक रेगुलर अरेंजमेंट होता है, एक रेगुलर अरेंजमेंट होता है, क्या होता है, 3D स्पेस में उन कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का एक रेगुलर, एक डिसिप्लिन अरेंजमेंट होता है। उस अरेंजमेंट को अगर हम बनाए यहां पर, अब हम कैसे बनाएंगे, हम भाई मॉलिक्यूल्स या एटम्स या एग्जैक्ट नहीं बना सकते, तो उन कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को हम किसके रूप में डिनोट कर रहे हैं, पॉइंट के रूप में। ध्यान से समझना, जैसे मैंने ये पॉइंट लगा दिया, ये पॉइंट लगा दिया, ये पॉइंट लगा दिया,
तो आप मान लीजिए ये पॉइंट किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये पॉइंट एटम्स को या मॉलिक्यूल्स को है ना, या फिर आयंस को, सबको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जैसा भी सॉलिड होगा भाई, जो एटम से मिलकर बना होगा उसमें ये एटम को रिप्रेजेंट करेंगे पॉइंट, समझ रहे ना। जो मॉलिक्यूल से बना हुआ सॉलिड होगा उसमें ये पॉइंट मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट करेंगे, अगर ये आयनिक है तो आयंस को रिप्रेजेंट करेंगे। अब एक्चुअल में तो एटम ऐसे मुझे कायदे में ऐसे बनाना चाहिए, एटम एकदम स्फेरिकल होता है इस तरीके का। लेकिन अगर ऐसे एटम बनाएंगे, अभी तो आपको सिर्फ ये तीन पॉइंट दिखाई पड़ रहे हैं, जब एक्चुअल डायग्राम यहाँ पे बनेगा और हम ये पूरा पूरा एटम दिखाएंगे तो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा डायग्राम। वैसे भी डायग्राम्स बहुत सारी बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होने वाले हैं, तो हम ऐसे मान के चलिए ये पूरा एटम नहीं दिखाएंगे या पूरा मॉलिक्यूल नहीं दिखाएंगे, इसका हम सिर्फ क्या दिखाएंगे, अंदर का जो सेंटर पॉइंट होता है ये। तो जहां जहां भी मैं पॉइंट रखूंगा आप ये मान के चलेंगे कि वहां पर एक पूरा एटम या पूरा मॉलिक्यूल या पूरा आयन प्रेजेंट है। समझ में आ रही बात? चलिए तो मैं बात कर रहा था क्रिस्टल लैटिस की। क्रिस्टल लैटिस क्या, अभी भी मैंने बताया कि जो क्रिस्टलाइज सॉलिड हुआ करते हैं उनमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का 3D स्पेस में एक क्या होता है, रेगुलर अरेंजमेंट होता है। अब आप समझिए, यही अरेंजमेंट अगर हम शो करें बोर्ड पर या कॉपी पर तो हम एटम या मॉलिक्यूल के क्या दिखाएंगे, वो पॉइंट्स दिखाएंगे। तो उन पॉइंट्स के द्वारा रिप्रेजेंट किया गया रेगुलर अरेंजमेंट 3D स्पेस में, उसी को हम क्या बोलेंगे, क्रिस्टल लैटिस बोलेंगे। क्या बोलेंगे, क्रिस्टल लैटिस, ठीक है कि नहीं। रेगुलर 3D अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, रेगुलर 3D अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, यही क्या होता है, क्या होता है ये, क्रिस्टल लैटिस होता है। जैसे मान लीजिए ये मैं क्या बना रहा हूं, पॉइंट्स, हाँ ये पॉइंट्स, लेकिन ये क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये पॉइंट्स किसी ना किसी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। अभी तो ये आपको सिर्फ पॉइंट्स लग रहे हैं, लेकिन अभी इसके अंदर से एक शेप भी निकल के आएगी, आप देखेंगे। आप बगल में डिजिटल फोटो है उसको भी देख सकते हैं, तो थोड़ा और क्लियर हो पाएगा आपको। ये जो मैं बना रहा हूँ ना, ये जो पॉइंट्स हैं, एक्चुअल में इन्हीं पॉइंट्स को क्या बोलते हैं, लैटिस पॉइंट्स बोलते हैं। आप ये भी ध्यान रखेंगे, इन्हीं पॉइंट्स को हम क्या बोलते हैं, लैटिस पॉइंट्स। अब इन लैटिस पॉइंट्स को मैं क्या कर रहा हूँ, मिला रहा हूँ आपस में। अब देखिए, जैसे ही मैंने लैटिस पॉइंट्स को मिलाया, एक शेप यहाँ पर बनकर तैयार हो गया, ठीक है, कुछ क्यूबॉइड जैसी कोई 3D शेप आपको यहाँ पे लग रही होगी, है ना। अब ऐसे ही मैं और भी आगे बढ़ा सकता हूँ, देखिए जैसे कि मैंने ये बना दिया, अब मैं इसको थोड़ा और आगे बढ़ा सकता हूँ इस तरीके से, है कि नहीं। बढ़ गया, और आगे बढ़ सकता है, इसको इस टाइम भी बढ़ा सकते थे इस तरीके से, है ना। तो जितना मैं आगे पीछे ऊपर नीचे बढ़ाता जाऊंगा डायग्राम कॉम्प्लिकेटेड होता जाएगा। ये जो आपके सामने दिखाई पड़ रहा है, इसी को हम क्या बोलते हैं, क्रिस्टल लैटिस बोलते हैं। ये जो पॉइंट्स दिखाई पड़ रहे हैं, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एटम्स को या मॉलिक्यूल्स को, या हम कहेंगे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को। क्योंकि बोर्ड पे बनाया है डायग्राम तो 2D में ही बनाया है, लेकिन थोड़ा लग रहा होगा आपको बाहर निकलता हुआ 3D स्ट्रक्चर की तरह। तो ऐसे मान के लिए ये जो पूरा 3D स्पेस, यहाँ पर कुछ पॉइंट्स हैं और उन पॉइंट्स को मिलाने से ये तैयार हो चुका। वो पॉइंट्स थे क्या एक्चुअल में, वो एटम्स या मॉलिक्यूल्स से। समझ आ रही बात आपके, ठीक है, आप डायग्राम में भी देखते रहिए। अच्छा, ये मैं थोड़ा सा इसको अरेंज कर रहा हूँ और मैं अब एक सिंपल डायग्राम बना रहा हूँ यहाँ पर।
ऐसे ही कुछ डायग्राम वहां पर बन रहा था, हालांकि वो क्यूबॉइड की शेप में था, ये क्यूब की शेप में है। और ये जो पॉइंट्स हैं, ये वही पॉइंट्स हैं जो मैंने वहां पर बनाए थे। और ये किसको रिप्रेजेंट कर रहे होंगे, एटम्स या मॉलिक्यूल्स को, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब इसके इस साइड यानी आप इस डायमेंशन में बढ़ाते चले जाइए तो एक क्यूब और बन जाएगा इसके बगल में, फिर एक क्यूब और बन जाएगा, एक इनफाइनाइटली आप जा सकते हैं। आप इसके ऊपर भी एक क्यूब बना सकते हैं, एक क्यूब पे दूसरा क्यूब, फिर तीसरा क्यूब, है ना। तो ऊपर भी ये एक्सपेंड होता चला जाएगा, नीचे भी एक्सपेंड हो जाएगा, इस साइड भी एक्सपेंड हो सकता है, अंदर की तरफ भी एक्सपेंड हो सकता है, यानी हर डायरेक्शन में ये तीनों डायमेंशन में इनफाइनाइटली क्या हो सकता है, एक्सपेंड हो सकता है। तो वही जो एक स्ट्रक्चर बनेगा इसका एक्सपेंशन करने के बाद, उसी को हम क्या बोलेंगे, क्रिस्टल लैटिस। अच्छा, एक चीज आपने गौर करी कि जो एक्सपेंशन मैंने बताया वो किसका बताया, इस क्यूब का, इस क्यूब का। इसका मतलब क्रिस्टल लैटिस चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, वो बना किससे होगा, ऐसी ही रिपीटिंग यूनिट से। जैसे आपका मकान है, आपका जो घर है वो कितना भी बड़ा क्यों ना हो, उसके अंदर छोटी छोटी कुछ रिपीटिंग यूनिट्स हैं, यानी कि ब्रिक्स हैं। तो एक ब्रिक के बराबर में दूसरी ब्रिक रखी, फिर तीसरी, उसके ऊपर भी लगाई, उसके दाएं बाएं भी लगाई, तो एक मोटी की दीवार आपकी तैयार हो गई। और फिर उन दीवारों से क्या तैयार हो गया, पूरा घर तैयार हो गया। इसका मतलब उस आप पूरे हाउस को या पूरे रूम को आप लैटिस मान सकते हैं, ठीक है कि नहीं। उसका एक पर्टिकुलर क्या है, एक पर्टिकुलर उसका शेप है, और वो जो लैटिस है या वो जो आपका रूम है वो एक रिपीटिंग यूनिट से तैयार हुआ है, एक एक स्ट्रक्चर जिसको रिपीट करने से पूरा बड़ा स्ट्रक्चर तैयार हो गया। तो वो जो रिपीटिंग स्ट्रक्चर है उसको ही हम क्या बोलते हैं, यूनिट सेल बोलते हैं। जैसे कि ये एक यूनिट सेल है, ये किस शेप की यूनिट सेल है, ये क्यूब के शेप की यूनिट सेल है, तो इसको क्यूबॉइड भी हम कह सकते हैं, या क्यूबिक यूनिट सेल भी हम इसको कह सकते हैं। क्यूबॉइड तो नहीं, क्यूबिक यूनिट सेल हम इसको कह सकते हैं। समझ आ रही है बात है, थोड़ा सा इमेजिनेशन करना पड़ेगा आपको, ठीक है कि। तो ये एक यूनिट सेल हो गई, यूनिट सेल रिपीट करते चले जाइए तीनों डायमेंशंस में, लेंथ ब्रेथ और हाइट में आप रिपीट करते जाइए यूनिट सेल को, तो उनके रिपीटेशन से क्या तैयार हो जाएगा, क्रिस्टल लैटिस तैयार हो जाएगा। और लैटिस पॉइंट्स तो आपको पता ही है, क्लियर है। चलिए, अब जो क्रिस्टल लैटिस होता है उसकी कुछ आपसे कभी भी पूछा था कि व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्रिस्टल लैटिस, तो क्रिस्टल लैटिस की तीन कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं जो मैंने आपको अभी बातों बातों में बता भी दी हैं। अब मैं उनको तीनों को एक बार में यहां पर बता भी दे रहा हूं। ऐसा करिए, आप फटाफट कॉपी पेन निकालिए और इन तीनों चीजों को डिफाइन भी कर लीजिए, ठीक है, कि क्रिस्टल लैटिस क्या होता है, लैटिस पॉइंट्स क्या होते हैं, और यूनिट सेल क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहले लैटिस पॉइंट्स को हम डिफाइन कर लेते हैं कि लैटिस पॉइंट्स क्या होते हैं। देखिए, ये डेफिनेशन में लिख रहा हूँ, ये लैटिस पॉइंट की लिख रहा हूँ, आप चाहें तो साथ में नोट कर लें या फिर इसके बाद इसका स्क्रीनशॉट ले लें। तो लैटिस पॉइंट क्या होते हैं, एक्चुअल में कि द पोजीशंस ऑक्यूपाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इन 3D space is called lattice points, या फिर इनका एक और नाम हुआ करता है lattice sites, ठीक है। The positions occupied by the constituent particles in 3D space is called lattice point या lattice sites. 3D space में जो जो positions एटम्स मॉलिक्यूल्स या आयंस यानी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ने ऑक्यूपाई कर रखी है। अभी हमने आपको बताया था कि क्रिस्टलाइन सॉलिड का मतलब क्या है, पूरे 3D स्पेस में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आपस में क्या है, कॉम्पैक्टली क्लोज है, इसलिए वो सॉलिड हमें 3 डायमेंशनल दिखने में लग रहा है। तो उसमें क्या है, जो 3D स्पेस है पूरा, उसमें उस सॉलिड के जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है वो किन किन पोजिशंस पे ऑक्यूपाइड है, किन किन पोजिशंस पर सिचुएटेड है, उन पोजीशंस को हम लैटिस पॉइंट या लैटिस साइट्स कहते हैं। अब बात कर लेते हैं क्रिस्टल लैटिस की, डिफाइन तो आप करेंगे सर और हम समझा तो आपको चुके हैं। क्रिस्टल लैटिस क्या है, द रेगुलर The regular
थ्री डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ द रेगुलर थ्री डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, और हम लैटिस पॉइंट्स का अरेंजमेंट भी यहां पर बता सकते हैं, दोनों तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, या फिर किसका अरेंजमेंट, लैटिस पॉइंट्स का, द रेगुलर थ्री डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स और लैटिस पॉइंट्स इज कॉल्ड क्रिस्टल लैटिस। दोनों चीजें डिफाइन कर ली। अच्छा, अब एक चीज बची, क्या यूनिट सेल। तो मैं यूनिट सेल को यहां पर डिफाइन कर देता हूं। यूनिट सेल क्या है? द स्मॉलेस्ट थ्री डायमेंशनल रिपीटिंग पोर्शन विच व्हेन रिपीटेड ओवर अगेन एंड अगेन कैन प्रोड्यूस द कंप्लीट क्रिस्टल लैटिस इज कॉल्ड यूनिट सेल। ये यूनिट सेल की डेफिनेशन हो गई। The smallest 3D repeating portion which, when repeated over again and again, can produce the complete crystal lattice is called unit cell. समझा चुका था मैं अभी। जैसे कि ये आपके सामने यूनिट सेल बनी हुई है, क्यों मैं इसको यूनिट सेल कह रहा हूं कि यही वो स्मॉलेस्ट 3D पोर्शन है जिसको मैं अगर डिफरेंट डायरेक्शन में, तीनों डायमेंशन में अगर मैं रिपीट करता जाऊं, तो इसी से मेरा पूरा क्रिस्टल लैटिस क्या हो जाएगा, तैयार हो जाएगा। एक एग्जाम्पल मैं आपको दिखाता हूँ, आप अगर मेरे डायग्राम है उसमें देख सकते हैं। इसके बाद अभी एक डायग्राम आएगा बगल में, तो आप देखेंगे उसको। फिलहाल मैं यहाँ पर आपको बना के भी दिखा दे रहा हूँ कि किस तरीके से रिपीटेशन होगा। जैसे मान लीजिए एक छोटा सा यूनिट सेल ये है, ठीक है, एक ये यूनिट सेल। अब इसको तीनों डायमेंशन में बढ़ाया जा सकता है। देखिए, बढ़ता चला जाए, बढ़ा ना, ये आप इनफाइनाइटली इसको बढ़ा सकते हैं, आप इसके ऊपर भी बना सकते हैं। तरीके से इसको ऊपर की तरफ भी प्रोड्यूस कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। देखिए, एक बार स्टोरी ऊपर तैयार होगी, आप इसको इधर बढ़ाएं। इस तरीके से आप इसको इनफाइनाइटली तीनों डायमेंशन में इंक्रीज कर सकते हैं, और ये फिर आपको एक पूरा क्रिस्टल लैटिस प्रोड्यूस करके दे देगी। यही मतलब होता है यूनिट सेल का। मैंने अभी कंपैरिजन करके बताया था, आपके हाउस और ब्रिक में जो रिलेशन है, ब्रिक के रिपीट होने से पूरा बड़े से बड़ा घर बन जाता है। इसी तरह यूनिट सेल के तीनों डायमेंशन में लगातार रिपीटेशन से हमें पूरा क्रिस्टल लैटिस मिल जाया करता है। ये कुछ बातें हो गई जो बहुत बेसिक थी, क्रिस्टल लैटिस, लैटिस पॉइंट्स और यूनिट सेल, ठीक है कि नहीं। अब मैं आगे की बात करता हूँ। अब देखिए, हमें यहाँ पर यूनिट सेल बना रहा हूँ, आप उसको जरा ध्यान से देखें। इस चीजों को मैं अभी रेज कर दे रहा हूँ यहाँ से। एक मैं यहाँ पर यूनिट सेल बना रहा हूँ, इसमें मुझे आपको कुछ चीजें भी और बतानी है। मैंने पहले ही कहा था, ये बहुत बेसिक लेक्चर है और बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये लेक्चर मिस हो गया, अगर आपने इस लेक्चर को अच्छे से नहीं समझ पाया, तो ये चैप्टर आपके लिए बहुत डिफिकल्ट होने वाला है। जैसे कि मान लीजिए ये हमारे पास एक यूनिट सेल लग रहा होगा, 3D स्ट्रक्चर। अब ये जो चीजें आपको दिख रही है, ये आपके क्या है, लैटिस पॉइंट्स है। और ये जो पॉइंट है, ये एक्चुअल में क्या रिप्रेजेंट करते हैं,
ये इस बात को रिप्रेजेंट करते हैं कि यहाँ पर क्या है, कोई पार्टिकल रखा हुआ है, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल। एक्चुअल में तो पार्टिकल मुझे ऐसे बनाना चाहिए था, ये पूरा पार्टिकल बनाना चाहिए था ऐसे, ऐसे यहाँ पर एक पूरा पार्टिकल बनाना चाहिए। आप समझ सकते हैं कि अगर ऐसे में पार्टिकल बनाऊंगा बड़ा बड़ा, तो ये डायग्राम काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। इसलिए सिंप्लिसिटी के लिए हम पूरा एटम या पूरा पार्टिकल ना दिखाकर सिर्फ उसका सेंटर दिखा देते हैं, जो कि लैटिस पॉइंट के रूप में इस पर रिप्रेजेंट किया जा सकता है। आप लोग ये डायग्राम बनाकर प्रैक्टिस करिएगा, दिखने में लगता है बहुत आसान, लेकिन जब बनाएंगे ना तब आपको लगेगा कि इतना भी आसान नहीं है इन डायग्राम्स को बनाना। हाँ, अगर आपकी ड्राइंग अच्छी है तो हो सकता है आप जल्दी बना लें, मेरी तो ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है। तो ये आपके सामने यूनिट सेल है। अब इस यूनिट सेल में दो चीजों पर आपको विशेष ध्यान देना है, यानी यूनिट सेल के अगर टाइप्स की बात करें तो यूनिट सेल को हम दो तरीके से क्लासिफाई कर पाएंगे। एक तो हम ये इस तरीके से क्लासिफाई करेंगे यूनिट सेल की शेप क्या है, शेप, जैसे कि इसकी शेप आपको क्या लग रही है, ये क्यूब के आकार की है, तो ये क्यूबिक यूनिट सेल है। तो शेप के अकॉर्डिंग भी कई सारे टाइप के यूनिट सेल होते हैं। और दूसरा क्लासिफिकेशन क्या है यूनिट सेल का, दूसरा क्लासिफिकेशन इस आधार पे करेंगे, इस बेस पे करेंगे कि इस यूनिट सेल में कहां कहां पर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं, कहां कहां पर, क्या सिर्फ कॉर्नर्स पर ही प्रेजेंट हैं या फिर इसके अंदर भी है। जैसे आप इसको एक रूम के तरीके से इमेजिन करिए, ये यूनिट सेल है, मान लीजिए आप जिस रूम में बैठ के पढ़ रहे हैं वो रूम ही ये यूनिट सेल है। अब उस रूम में जरा ध्यान से देखिए क्या क्या चीजें हैं उस रूम में। सबसे पहले तो फेस देखिए आप, फेस कितने होंगे, अगर आपका रूम क्यूब या क्यूबॉइड के शेप का है तो कितने फेस, फेस का मतलब जो ये प्लेन्स हैं, दीवारें हैं। आप देखिए, एक आपके सामने की दीवार होगी, एक आपके पीछे की दीवार होगी, एक आपके लेफ्ट होगी, एक आपके राइट होगी, चार हो गई, एक आपकी सीलिंग और एक आपका फर्श, ये सिक्स क्या हो गए, फेसेस हो गए, सिक्स फेसेस। मैं सिर्फ अभी क्यूब की बात कर रहा हूँ, एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको कि कहाँ कहाँ पर एटम हो सकता है, ये फेस हो गए। इसके अलावा कॉर्नर्स कितने होंगे, कॉर्नर्स आप काउंट करिए अपने रूम में कितने कॉर्नर होंगे, किसी भी एक दीवार की तरफ देखिए, हर दीवार पर कितने कॉर्नर होते हैं, 1 2 3 4, फोर कॉर्नर हर दीवार पर होते हैं, आप कॉर्नर काउंट कर लीजिए, देखिए यहां से काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4, 1 2 3 4 है ना, बस ये दो बार आ रहा है तो रिपीट नहीं करना आपको, आप टोटल काउंट करिए कितने कॉर्नर, 1 2 3 4 5 6 7 8 कॉर्नर। तो 8 तो इसमें क्या हो गए, क्यूब वाले में कॉर्नर हो गए कि नहीं। अच्छा, तो अब यहां पर मैं बता रहा हूं कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं वो कहां कहां पे हो सकते हैं, तो आप ध्यान से समझिए, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कॉर्नर पर भी हो सकते हैं, मतलब सिंपल सी चीज तो यही है, सबसे सिंपल कि कॉर्नर पर, जो हमने लैटिस पॉइंट बनाया इसका मतलब यहाँ पर पार्टिकल है और ये कॉर्नर पे बने हुए हैं, इसका मतलब बहुत बेसिक चीज है, कॉर्नर पर तो पार्टिकल होता ही है, हर टाइप के लैटिस में, हर टाइप के यूनिट सेल में कॉर्नर पर तो पार्टिकल मिलेगा ही मिलेगा। अब कॉर्नर के अलावा और कहां पर पार्टिकल हो सकता है और कहां पर एटम हो सकता है, तो कॉर्नर के अलावा एटम कहां हो सकता है, फेस पर हो सकता है किसी दीवार, ठीक है, जैसे आप इस रूम में बैठे हैं, आप इमेजिन करिए उसकी एक दीवार पर, उसकी एक दीवार पर एक क्या है, एक एक गोला, एक एटम है। जैसे मैं इसकी बात करूं, जैसे मान लीजिए ये है, ये एक दीवार, इस पूरी बोर्ड को एक दीवार मान लीजिए, सामने एक दीवार है, अब एक बड़ा सा एटम है जो आधा तो इसके बाद इसके अंदर आ रहा है ये आधा, ठीक है, और इसका आधा पार्ट इस दीवार के उस तरफ भी होगा। उस तरफ मैं क्यों कह रहा हूं, केवल मेरे पास एक यूनिट सेल थोड़ी ना, मेरे पास पूरा क्रिस्टल है, तो जैसे ये एक रूम एक यूनिट सेल हो गया, इसके बराबर में एक और रूम बना हुआ है तो वो दूसरा यूनिट सेल हो गया, एक और आगे रूम होगा तीसरा यूनिट सेल, इसके ऊपर भी होगा, उसके भी ऊपर होगा, 3D स्पेस आप इमेजिन करिए इस चीज को। तो ये एक दीवार होगी जिसको हम फेस बोलेंगे, ठीक है, और ये फेस इस रूम में और इसके बगल वाले रूम में कॉमन होगा, ध्यान से समझ लेना, जैसे ये एक फेस है तो एक रूम इसके इस साइड और एक रूम इसके इस साइड। अब इस फेस पर जो एटम होगा वो आधा तो इस वाले रूम में आ जाएगा, है ना, और आधा पहुंच जाएगा उस वाले रूम में, तो इस तरीके से फेस पर भी एटम
हो सकता है। समझ रहे हैं ना बात को, डायग्राम में देख सकते हैं आप। इसके अलावा और कहां पर हो सकता है एटम, और एटम आपके जो यूनिट सेल है आपका उसके बीचों बीच में हो सकता है, पूरे में जो स्पेस होगा बीच में, जैसा आपका रूम है तो रूम की दीवारों के बीच में जो एक्चुअल में आपके कमरे की जगह है, कमरे का वॉल्यूम है, उस पूरे में आप इमेजिन करिए कि एक ऐसा बड़ा सा गोला रखा हुआ है आपके कमरे में जो आपके कमरे के हर फेस को, हर दीवार को टच करता है। समझ रहे ना, तो एक पोजीशन ये भी हो सकती है इसकी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल की। तो अब पार्टिकल कहां कहां पर है उसके बेसिस पे सबसे पहले हम बता रहे हैं कि यूनिट सेल कितने टाइप की होती है, फिर हम बात करेंगे शेप के आधार पर कितने टाइप की होती है। ठीक है, आपके राइट हैंड साइड में बीच बीच में कुछ डिजिटल डायग्राम्स दिखाई पड़ रहे हैं, आप उनको देखते जाइए जिससे कि आपको इन क्रिस्टल्स की शेप का सही से अंदाजा लग पाए। ठीक है, 3D डायग्राम से थोड़े से डिफिकल्ट है समझना में। तो शेप के आधार पर या शेप के बेस पर हम लोग बाद में पढ़ेंगे, पहले पढ़ रहे हैं इसके बेस पर कि एटम कहाँ है। तो टाइप्स ऑफ यूनिट सेल हम पढ़ रहे हैं, टाइप्स ऑफ टाइप्स ऑफ यूनिट्स। जो यूनिट सेल प्रकृति है वो बेसिकली दो टाइप की होती है, इसके आधार पर कि एटम या पार्टिकल की पोजीशन कहां पर है। यूनिट सेल एक तो होती है प्रिमिटिव, प्रिमिटिव या सिंपल यूनिट से, और दूसरी कैटेगरी आती है सेंटर्ड यूनिट से। ठीक है, तो जो प्रिमिटिव है, ठीक है, प्रिमिटिव का मतलब क्या है, जो एटम्स होंगे वो सिर्फ कहां होंगे, ओनली एट कॉर्नर्स। ठीक, जैसे कि मान लीजिए ये एक यूनिट सेल है और इसके सिर्फ जो कॉर्नर्स हैं उन कॉर्नर्स पर ही कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल प्रेजेंट है, बाकी कहीं भी नहीं। तो ये सिंपलेस्ट टाइप की यूनिट सेल होती है, इसीलिए इसका नाम भी क्या है, सिंपल यूनिट सेल या प्रिमिटिव यूनिट सेल। अभी हम शेप की बात नहीं कर रहे हैं, ये शेप कुछ भी हो सकती है, क्यूब भी हो सकती है, क्यूबॉइड भी हो सकती है ना, आपकी जो ऑर्थोरोम्बिक भी हो सकती है, हेक्सागोनल भी हो सकती है, ट्राइक्लिनिक भी हो सकती है, कई सारे टाइप की, 7 टाइप की शेप्स हुआ करती है। इसके बाद हम वही पढ़ेंगे, फिलहाल हम क्या देख रहे हैं कि यूनिट सेल में पार्टिकल्स की पोजीशन कहाँ है, पार्टिकल कहाँ कहाँ पर अपने आप को रखे हुए हैं। तो ऐसी सेल्स जिनमें पार्टिकल्स की पोजीशन सिर्फ और सिर्फ कहाँ हो, कॉर्नर्स पे हो, बाकी कहीं नहीं होना चाहिए, सिर्फ कॉर्नर्स पर ही होना चाहिए, तब हम उसको क्या बोलेंगे, प्रिमिटिव या सिंपल यूनिट सेल। ठीक, अब बात करते हैं सेंटर्ड यूनिट सेल। तो सेंटर्ड यूनिट सेल में क्या होता है, ध्यान से समझिए, सेंटर्ड यूनिट सेल में जो पार्टिकल्स हैं वो कॉर्नर्स पे तो होते ही हैं। अब ये नहीं कि कॉर्नर पे पार्टिकल नहीं मिलेंगे सेंटर्ड में, कॉर्नर पर पार्टिकल हर टाइप की सेल में होते हैं, मैंने आपको पहले ही बताया। तो यहां पर क्या है, सेंटर्ड हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इस टाइप की यूनिट सेल्स में कॉर्नर वाले पार्टिकल्स के अलावा भी कुछ पार्टिकल्स होते हैं। तीन कैटेगरी है इनकी, एक तो है बॉडी सेंटर्ड, ठीक, दूसरी है इसमें आपकी फेस सेंटर्ड, और तीसरी कैटेगरी है एंड सेंटर्ड। तो इस तरीके से ओवरऑल देखा जाए तो चार टाइप की यूनिट सेल होगी, कौन कौन सी, सिंपल या प्रिमिटिव, बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड और एंड सेंटर्ड। समझ रहे ना बात को, अब मैं इसी डायग्राम में आपको ये चीज क्लियर करके दे रहा हूं और बगल में आप उस डायग्राम में भी देख सकते हैं जो राइट हैंड साइड में डिजिटल डायग्राम बना हुआ है। बॉडी सेंटर्ड में क्या होगा, देखो मैंने क्या बताया, वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखेंगे, सेंटर्ड यूनिट सेल में क्या होता है, जो कॉर्नर पर एटम्स होते हैं वो तो होते ही है, उनके अलावा कुछ एक्स्ट्रा एटम्स होते हैं, इस वजह से इसकी अलग कैटेगरी है। इसमें सारे एटम सिर्फ कहां होते हैं, कॉर्नर पर ही होते हैं। तो देखिए, अगर ये एटम्स हमने सिर्फ कॉर्नर पर बनाए तो ये कैसा है, सिंपल है। अब मैं इसको अगर बॉडी सेंटर्ड के रूप में बनाना चाहता हूं तो बॉडी सेंटर्ड का मतलब क्या है कि उस सेल के बिल्कुल बीच में एक एटम रखा हुआ है। तो ये मैं यहां पर दिखा सकता हूं, ये देखिए, ये हो गया आपका बॉडी सेंटर। जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि आप इमेजिन करिए कि यूनिट सेल आपका रूम है जहां पर आप बैठे हुए हैं,
और उस रूम के बिल्कुल बीच में एक बड़ा सा गोला रखा हुआ जो हर दीवार को टच कर रहा है, वो सिचुएशन क्या कहलाती है? बॉडी सेंटर्ड। तो आपने क्या देखा? देखिए कॉर्नर पर जो आइटम थे वो भी है, प्लस एक्स्ट्रा आइटम कहां पर आ गया? बिल्कुल बीच में, सेल के बीच में जो वॉल्यूम जो स्पेस है वहां पर एक आइटम रखा हुआ है। तो इस टाइप की यूनिट सेल क्या कहलाएगी? बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। क्लियर? चलिए इसके अलावा अगर ये आइटम यहां नहीं है, यहाँ पर हर फेस के सेंटर पर क्या होगा? एक एटम होगा। देखिए ऊपर वाला फेस, ये नीचे वाला फेस, ये राइट वाला, ये लेफ्ट वाला। अब एक सामने वाला होगा जो कि मैं यहां दिखा दे रहा हूं, और एक होगा बैक वाला जो कि मैं यहां देख रहा हूं। इमेजिन करिए आप इसको, आप अपने कमरे को जरा ऑब्जर्व करिए, और कमरे की जो छह दीवारें हैं उनको आप मानिए फेस हैं, और हर फेस पर क्या होगा? एक एटम लगा होगा, एक पार्टिकल लगा होगा। लगा कैसे होगा? आधा भाग उसका आपके कमरे के अंदर होगा, है ना, और आधा पोर्शन होगा बाहर की तरफ, यानी वो आधा पोर्शन बगल में जो दूसरा कमरा बना हुआ उसमें जा रहा होगा। समझ मारी बात? जैसे आप मान लीजिए ये जो पेपर है, इस पेपर को आप फेस मान लें, तो आधा पार्ट इस पेपर के इधर, ये फेस यानी रूम की दीवार, आधा पार्ट आपका इधर और आधा पार्ट इसका इधर, जो कि बगल वाले दूसरे वाले रूम में, दूसरे वाले यूनिट सेल में चला जाए। ठीक है कि नहीं? इसका मतलब ये समझ लीजिए कि जो एटम फेस पर होता है वो एटम केवल अपना आधा हिस्सा ही एक यूनिट सेल में कंट्रीब्यूट कर सकता है। जो फेस सेंटर्ड है वो एक यूनिट सेल में उसका हाफ पोर्शन होगा, और हाफ पोर्शन बगल वाले यूनिट सेल में होता है, उसका कंट्रीब्यूशन 1/2 होता है। ये हमारा एक टॉपिक भी है, हम लोग इसके बाद इसको डिटेल में डिस्कस भी करेंगे। तो ये दो टाइप के आपने देख लिया, बॉडी सेंटर्ड और फेस सेंटर्ड। कितने फेस थे? छह फेस थे। छह के छह फेस पर क्या है? एक एक पार्टिकल प्रेजेंट है। अब लास्ट कैटेगरी आती है एंड सेंटर्ड की। एंड सेंटर्ड में क्या है? पार्टिकल्स कॉर्नर पर तो होंगे ही होंगे, ठीक है, साथ ही साथ कोई भी दो अपोजिट फेसेस पर एक एक एटम आपको मिल जाएगा। यहां पर क्या था? फेस सेंटर्ड में हर फेस पे पार्टिकल था। एंड सेंटर्ड में क्या होगा? कोई भी दो फेस, या तो आप ये सामने आमने सामने वाले फेस ले लीजिए, यहां पर एटम होगा, या फिर ये लेफ्ट राइट वाले इन पर हो सकता है, या फिर ये टॉप टू बॉटम वाले यहां पर हो सकता है। मतलब सिक्स फेस में से कोई भी टू फेसेस ऐसे होंगे अपोजिट एक दूसरे के जिन पर आपको एटम मिलेगा। जैसे कि मैं इसको यहां पर आकर आके देखा हूं, ये देखिए कॉर्नर पर आइटम है, एक ऊपर वाले फेस पर आइटम लगा हुआ है और एक नीचे वाले फेस पर आइटम लगा हुआ है। समझ गए ना? हालांकि ये वाला जो आइटम है, फेस वाला हमने पहले ही बताया, ये पूरा इसमें नहीं होगा, इससे ऊपर की यूनिट सेल बनी होगी, इससे ऊपर आधा उसमें होगा और आधा इस वाली यूनिट सेल में, हाफ पोर्शन ही एक यूनिट सेल में होता है। तो इस टाइप से ये आपका क्या बन गया? ये कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की ऑक्यूपाइड पोजीशंस के अकॉर्डिंग यूनिट सेल्स के टाइप क्या होते हैं, ये आपने इस लेक्चर में जाना। बेसिक लेक्चर है, इसके बाद एक और बेसिक लेक्चर आपका लगेगा जिसमें मैं बताऊंगा कि शेप के अकॉर्डिंग यूनिट सेल्स कितने टाइप की होती हैं, और उन यूनिट सेल्स जो क्रिस्टल बनते हैं वो क्रिस्टल्स कितने टाइप के बनते हैं। ठीक है, अगर मैं ये चार टाइप की यूनिट सेल्स और जो शेप के हिसाब से मैं 7 टाइप की यूनिट सेल्स बनाऊंगा, ओवरऑल अगर उन सबके हिसाब से देखा जाए तो 14 टाइप के आपके क्रिस्टल सिस्टम्स तैयार होते हैं। उन 14 टाइप के क्रिस्टल सिस्टम्स को हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक ये आपके लिए होमवर्क है कि जो भी डेफिनेशंस हमने यहाँ पर बताई उन डेफिनेशंस को आप लर्न करें, अच्छे से पढ़ें। ये छोटे मोटे जो डायग्राम्स आज हमने सीखे, जो आपने इधर देखे डिजिटल वाले, या फिर जो मैंने हैंडमेड बनाए, वो सब आप बनाने की प्रैक्टिस करेंगे, और जो भी चीजें मैंने आज के लेक्चर में सिखाई हैं आपको उनका अच्छे से आप रिविजन कर लें, ताकि अगला वाला लेक्चर आपको अच्छे से समझ आ जाए। ठीक है, तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।